हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक रेसिपी लेके। आज मैं बनाऊंगी सिंपल चिकन करी, सिंपल बट टेस्टी। तो मैं पहले गैस जलाती हूँ और मैं कढ़ाई मैंने पहले से चढ़ा रखी है। अब इसको थोड़ा सा मैं गर्म होने दूंगी। गर्म होने के बाद मैं इसमें चिकन डालूंगी, जिसको मैंने पहले से दही, हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट कर लिया है 10 मिनट पहले। ये देखिए, ये चिकन है जिसमें मैंने दही, हल्दी और नमक मिला के पहले से रखा हुआ था। अब मैं इसे एक कढ़ाई गरम करके मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। ये मैं तेल डाल रही हूँ, एक कटोरा मैंने लगभग तेल डाल दिया है। अब इसे मैं गरम होने दूंगी, अच्छी तरह से गरम होने दूंगी। इसमें एक एक करके चिकन पीस डालूंगी और इसे तल लूंगी। एक एक पीस करके मैं डालूंगी, लगभग एक बार में 6-7 पीसेस डालूंगी ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो सके। और ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो ये फ्राई हो रहा है जब तक मैं इसे डाली हुई हूँ, और ये फ्राई थोड़ा सा फ्राई होगा उसके बाद मैं इसे पलटूंगी। अब ये फ्राई हो रहा है, मैं चिकन फ्राई होने के लिए रख दी है। चिकन फ्राई हो रहा है, तब तक मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे मैंने लिया है तेज़पत्ता, लाल मिर्च, चिकन मसाला, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और मैंने प्याज काट के रखा है। इसके साथ मैं 3-4 हरी मिर्च भी ले रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर इसका अच्छा आता है इसको डालने से। और मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है। इसे मैंने पानी नहीं डाला है, बिना पानी का बनाया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है पानी डालने के बाद वो टेस्ट नहीं आता है जो ऐसे आप बनाइए। अदरक और लहसुन का जो आप पेस्ट बनाइएगा, बिना पानी का अगर पेस्ट बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और लास्ट में मैं जब इसको तैयार कर लूँगी तो मैं घी, जीरा और लाल मिर्च से इसको छौंक लगाऊंगी ऊपर से, इसलिए मैंने इसके लिए घी लिया है। अब ये देखिए, ये एक तरफ से पक गया है चिकन। अब मैं इसे पलट दूँगी, तो धीरे धीरे पलटूंगी। और सबसे अच्छी से मुझे डीप फ्राई नहीं करनी है, मुझे हल्की हल्की फ्राई करनी है, क्योंकि मैंने इसे दही में लपेटा है। और दही में मैंने इसलिए लपेटा है क्योंकि इसकी जो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है वो इसमें ना आए। चिकन में भी वो स्मेल आते, बहुत आदमी को इसलिए भी चिकन पसंद नहीं आता है क्योंकि इसमें एक स्मेल आता है। तो ये दही और नमक हल्दी दे के आप अगर उसको हल्का फ्राई करेंगी तो उसमें वो स्मेल नहीं आएगा। तो अब मैं एक तरफ से इसको पलट दी हूँ, अब मैं दूसरी तरफ भी थोड़ा सा इसको सैलो फ्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं इसे निकालूंगी। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा और फ्राई होने देती हूँ। मुझे लग रहा है ये अब फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे एक एक करके निकाल लूँगी, आराम से निकालूँगी। ये मुझे अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल लूँगी। मैं फिर और पीसेस जो बचे हुए हैं वो पीसेस को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब ये मेरे सारे पीसेस तल चुके हैं, मैं अब इसे फिर निकाल लूँगी प्लेट में, एक एक करके निकालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पीसेस तल लिए हैं। अब इसमें जो तेल बचा हुआ है उसे मैं हटाऊंगी नहीं, मैं इसी में इसको आगे इसका बनाऊंगी। इसके लिए मैं इसे इसमें सबसे पहले हरा मिर्चा और जीरा डालूंगी, फिर हरा मिर्चा डालूंगी और तेज़पत्ता। ये मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है, अब इसमें छौंक का लगाया है मैंने। अब ये भून गया है, अब इसमें मैं प्याज डालूंगी।
जिसको मैंने पहले से काट के रखी है। अच्छा खासा मैंने प्याज डालना है। ग्रेवी के ऊपर निर्भर करता है मेरा प्याज, मैं कितना ग्रेवी बनाती हूँ उस हिसाब से मैं प्याज डालूँगी। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी रखनी है तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा प्याज डाली है। अब इसे मैं फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई होना चाहिए, बहुत डीप फ्राई नहीं। अब मैं देखिए ये जो है सो फ्राई हो चुकी है, जो अनियन मैंने डाली थी वो फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें धीरे धीरे एक एक करके सारे मसाला डालूंगी। पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, जिसको मैंने पहले से पीस के रखा है मिक्सी में। थोड़ा सा चला लूंगी। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, जिसको मैंने पहले से रखा है। धनिया पाउडर डालूंगी, नमक भी डाल दूंगी, मिर्चा पाउडर भी डाल दूंगी। ये सब मैंने डाल दिया इसमें, इसको चलाऊंगी थोड़ी देर। अब इसमें जो मस्ट है वो है चिकन मसाला। मैं चिकन मसाला इसमें ज़रूर यूज़ करूंगी, तो इसमें थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब इसको मैं थोड़ा धीमी आंच पे फ्राई करूंगी। अब ये हल्का भुना गया है। अब इसमें मैं चिकन पीसेस डालूंगी, जिसको मैंने पहले से दही नमक और हल्दी के साथ फ्राई करके रखी है। मैं इसे अब डाल दिया है। अब मैं इसे चलाऊंगी। चलाने के बाद इसमें हल्का सा पानी डालूंगी ताकि अच्छी तरह से भून जाए, थोड़ा सा, बस आधा कप। आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक ढक के दो तीन बार इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। ये ढक अभी मैं धीमी आंच कर देती हूँ। अब ये पक रहा है थोड़ी, अब मैं इसे एक बार देख लेती हूँ। इसे फिर मैं एक बार, ये भून रहा है धीरे धीरे। अब इसको मैं एक बार फिर पलट दूंगी इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए, और इसको पकने के लिए भी मैं इसे अच्छी तरह से एक बार पलट दूंगी। अब फिर इसको मैं फिर ढक दूंगी और इसे मैं पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए अब ये भून चुका है, ये अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें मैं, अगर आप इसे ऐसे खाना चाहती हैं तो इसका फ्राई आप निकाल सकती हैं, और आप पराठे के साथ खाइए या फ्राइड राइस के साथ खाइए तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। लेकिन यदि इसे आप सादी चावल के साथ खाना चाहती हैं तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें ग्रेवी डालना होगा। मैं आज इसमें थोड़ा सा ग्रेवी डालूंगी। ऐसे आप अगर सादा खाना चाहती हैं, अगर मतलब फ्राइड राइस के साथ खाना चाहती तो आप इसी तरह निकाल लीजिए भुनी हुई, ये काफ़ी टेस्टी लगेगी। लेकिन मैं चूँकि इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड करूंगी, उतना जितना हमको ग्रेवी बनानी है। बस हो गया, मैं इसे ढक दूंगी, इसे अब थोड़ी देर मैं पकने दूंगी। ये देखिए अब ये पक चुकी है। अब ग्रेवी भी इसका कम हो चुका है, और इससे ज़्यादा मुझे ग्रेवी नहीं रखनी है, इसलिए मैं इसमें बस अब इसको, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं खौलाऊँगी। तो अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। आराम से इसे मैं बर्तन में निकाल लूँगी। बाकी की बची हुई भी जो है मैं एक बर्तन में से निकाल दूंगी। आहिस्ते आहिस्ते मैं सावधानी से निकाल लूंगी इसे। ये
ये देखिए चिकन बन चुकी है। अभी अब मैं इसमें इसको एक बार बघार लगाऊंगी घी के साथ। इसके लिए मैं एक कलछुल लेती हूँ, कलछुल को गरम करूँगी और अब इसमें मैं घी डालूंगी। ये मैंने घी डाल दिया है। और इसमें मैं तेजपत्ता डालूंगी, मिर्चा डालूंगी लाल मिर्च और जीरा डालूंगी। और जब भी हम बघार लगाते हैं तो हम किसी भी चीज़ में ढक के बघार लगाएंगे, जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा आएगा, उसका टेस्ट उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए मैं इसे ढक के बघार लगाऊंगी। तो मैंने चिकन को ढक दिया है। अब मैं इसे, ये बघार मेरा तैयार हो रहा है। अब ये तैयार हो चुका है। तो अब इसे मैं छौंका लगाऊंगी। छौंका लगा दिया है। अब इसे मैं ढक दूंगी। देखिए ये मेरे पूरी तरह से ये चिकन तैयार है। अब इसे आप आराम से सादी चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी लगेंगे आपको। वैसे आप किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकती हैं, पराठा पूरी किसी के भी साथ खा सकती हैं, काफ़ी टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड आप एक बार इसे घर में ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि आपको ये कैसी लगी।